एग्जाम्पल नंबर दो दिया गया है कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करो। अवकलन करो और अवकलज ज्ञात करो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अवकलन करो इसका मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम अवकलज कहते हैं। तो हम दोनों में एक ही बात है, आपको बताया हुआ है कि अवकलन प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस से जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम अवकलज कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, यानी साइन के प्रांत में ए एक्स प्लस बी है और कोस सी एक्स प्लस टी है, दोनों बट्टा में है, हमें इसका अवकलन करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह नहीं दिया हो तो वाई मानना है। तो आंसर लेट वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा कोस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब ये बट्टा में दिया हुआ है तो अब आपको बट्टा वाला रूल लगाना है। तो पहले बताते हैं आपको, चूंकि अवकलन का रूल होता है डी अपॉन डी एक्स, अगर आपका u बट्टा v हो तो उसका अवकलन इस प्रकार होता है। तो पहले पढ़ेंगे u बट्टा v, तो u को पढ़ा तो जिसको पहले पढ़ा उसका अवकलन पहले होगा, तो नीचे वाला ऐसे रहा, तो डी वी कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स यू, फिर माइनस, अब उल्टा कर दो u कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स और v, फिर बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को काम में लेना है। तो इस dA आपका y का तो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। अब इसमें करेंगे तो देखो, बट्टा के ऊपर वाला पूरा आपका u है, बट्टा के नीचे वाला पूरा आपका v है। तो हमें क्या कह रहा है, बट्टा के ऊपर वाले का पहले अवकलन करो, नीचे वाले को ऐसे छोड़ो। तो हमने cos सी एक्स प्लस डी को ऐसे छोड़ दिया, और d अपॉन डी एक्स और ये ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस का b, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, अब इंटरचेंज, नीचे ऊपर वाले को ऐसे छोड़ेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे छोड़ा, और डी अपॉन डी एक्स नीचे वाला, तो कोस सी एक्स प्लस का टी, और पूरे के बट्टा में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला कौन है, कोस है, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो बराबर। अब रिजल्ट क्या बराबर होता है, तो यहाँ से तो आपका हो गया कोस सी एक्स प्लस का डी, तो साइन है, तो साइन का अवकलन क्या होता है कोस, अब कोस अकेला तो आएगा नहीं, प्रांत साथ में आएगा, तो ए एक्स प्लस का बी अलग अलग होगा, फिर गुणा, अब कोस लगा दिया, अब प्रांत का होगा, फलन का किया है घात ही नहीं, फलन का किया, अब प्रांत का होगा, तो ए एक्स, तो ए एक्स में आपका देखो एक्स के साथ अगर ए आ जाए तो अचर है ये ए, इसका अवकलन नहीं होता, लेकिन अकेला अगर अचरा जाए तो उसका अवकलन होगा। तो यहाँ एक्स के साथ आ गया तो ए का तो होगा नहीं, एक्स का कितना होता है एक, तो गुणा एक प्लस, अब ये बी है, बी में एक्स का कोई पद नहीं है, इसका मतलब बी का होगा, तो बी का हो जाएगा जीरो, ये हो गया, फिर माइनस। इसकी बात करते हैं तो आपका साइन ए एक्स प्लस बी आ गया, अब कोस का अवकलन करते हैं, तो आपको पता है कोस का अवकलन होता है माइनस, याद है कोस से नाम स्टार्ट होता है, तो माइनस का साइन, अब साइन अकेला नहीं आएगा, जो प्रांत है वो कब आ जाएगा प्लस डी। कई बार गलती क्या करते हैं कि कोस का कर दिया, अंदर वाले का भी साथ में करते, साथ में नहीं होगा अलग अलग होगा, फिर गुणा, अब आपका कोस का कर दिया, अंदर वाले का करते हैं, तो सी एक्स, तो आपका सी अचर है, वो एक्स के साथ में आ गया, तो सी का नहीं होगा, केवल एक्स का होगा, एक्स का होगा एक प्लस, अब डी अकेला एक्स के बिना है तो इसका हो गया जीरो, और बट्टा में आपका हो गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी, तो बराबर। अब आपका ए गुणा एक, यानी ए एक को जीरो से जोड़ा, ए बच गया, तो ए को ले आओ आगे, तो ए कोस, पहले ये लिखता हूँ, तो ए एक्स प्लस का बी और कोस सी एक्स प्लस का डी, फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ भी एक सी है तो प्लस का सी, तो ये हो गया आपका साइन ए एक्स प्लस का बी और साइन सी एक्स प्लस का डी बट्टा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। अब देखो इसको हम आगे और हल कर देते अगर ए और सी गुणांक नहीं थे, गुणांक अलग अलग हो गए ना, इसलिए अगर गुणांक सेम होते तो आपको फॉर्मूला लगता कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला, लेकिन यहाँ गुणांक अलग अलग है इसलिए आगे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, तो इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ आपको, देखो हमें दिया हुआ है कोस
एक्स की घात 3 डॉट साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ये दिया हुआ है। तो बराबर का चिन्ह नहीं है तो सबसे पहले मान लेते हैं इसको वाई बराबर लेट वाई बराबर कोस एक्स की घात 3 डॉट साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो पद कितने हैं पता करते हैं। तो कोस के साथ प्रांत में एक्स की घात 3 आ गया, मतलब ये पद तो कंप्लीट हो गया। फिर डॉट साइन का स्क्वायर है उसके प्रांत में ये हुआ, इसका मतलब दो पद है दोनों गुणा में है तो गुणा वाला रूल लगेगा। गुणा वाला रूल क्या कहता है, चूँकि डी अपॉन डी एक्स दो जने गुणा में हो तो यू गुणा वी हो तो यू कॉन्स्टेंट वी का अवकलन डी वी है। इसमें किसी का कर दो भले, फिर प्लस वी कॉन्स्टेंट डी यू बट्टा डी एक्स, किसी को यू मानो किसी को वी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बट्टा वाले में जिसको हम पहले पढ़ते हैं यानी बट्टा के ऊपर वाला है उसको यू मानेंगे, बट्टा के नीचे वाला है उसको वी मानेंगे। तो हम आगे चलते हैं आप करते हैं सहायता से फॉर्मूला की सहायता से, तो आपका अवकलन हो जाएगा वाई का तो हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। तो अब हमने कोस एक्स की घात 3 को रखा कॉन्स्टेंट और डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ये लो ब्रैकेट बंद प्लस फिर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 को ऐसे रखा और ये हो गया आपका डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स की घात 3 तो बराबर। अब इसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो ये तो बाहर आपका ऐसे रह जाएगा तो कोस एक्स की घात 3 गुणा। अब देखो साइन और साइन की घात तो पहले घात का होगा तो घात क्या कहते हैं, जितनी घात है उसको आगे लिखो फिर एक घात कम कर दो तो साइन की दो घात में से एक कम करेंगे तो एक बचेगी तो साइन आ गया सीधा एक घात ये एक लिख दिया और ये आपकी एक्स की घात 5 जैसा है वैसा वैसे लिखेंगे तो हमने लिख दिया ये घात का अवकलन हो गया। अब गुणा अब घात के अलावा कौन है, घात के अलावा देखो घात को छोड़ दे तो केवल साइन आपका घात को छोड़ दे इसको तो साइन और साइन का अवकलन क्या होता है कोस, तो एक कोस हो गया इसके साथ में लिख दो अपना प्रांत तो यह आ गया प्रांत आपका एक्स की घात 5। अब साइन का हो गया, अब साइन को छोड़ दो घात को भी छोड़ दो तो एक्स की घात 5 है, एक्स की घात 5 का अवकलन होगा कि घात एक घात वो आगे एक घात कम कर दो एक्स की घात 4 बचा एक्स का अवकलन होता है एक लिखने की जरूरत नहीं है ये लो फिर प्लस। अब दूसरे में चलते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ऐसे हो गया अब गुणा। अब देखो इसमें कोस की कोई घात नहीं तो सीधा कोस का ही होगा तो कोस का होता है माइनस साइन तो माइनस का साइन और प्रांत में जो दिया हुआ ऐसा कैसा फिर गुणा 3 दिया हुआ है एक्स की घात 3। अब प्रांत वाले का करेंगे कोस को छोड़ दो प्रांत हो गया एक्स की घात 3 का हो गया 3x² तो बराबर। अब इसमें देखो ये ऊपर वाला पूरा गुणा में है तो 5 को 5 और 2 गुणा हुआ 10 हुआ 10 फिर एक्स की घात 4 लिख दिया एक्स की घात 4 फिर लिख दो कोस एक्स की घात 3 डॉट साइन की घात 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है साइन एक्स की घात 5 डॉट फिर कोस एक्स की घात 5 प्लस यहाँ देखो यहाँ प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा इसको ऐसे काटो यहाँ लगाओ माइनस तो माइनस हो गया और ये 3x² फिर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 डॉट फिर साइन एक्स की घात 3 ये आपका हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट है वो दिया हुआ आपको sec tan रूट एक्स ये दिया हुआ। तो सबसे पहला काम तो यही है y के बराबर मानो तो लेट बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये मानना है तो y बराबर sec tan अनरूट एक्स ये। अब इसको आगे सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करेंगे देखो सबसे पहले पता करो पद कितने हैं तो सेक सेक के प्रांत में ये पूरा है इसका मतलब एक ही पद है क्योंकि सेक के अंदर टेन है टेन कंप्लीट कहाँ हुआ टेन के अंदर फिर रूट एक्स है मतलब ये पूरा पद बना और ये पूरा प्रांत है सेक के अंदर इसका मतलब एक ही पद है तो एक ही पद का अवकलन होगा घात इसकी है नहीं तो हम कह देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अक्सर सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर।
देखो घात नहीं है, सेक है, तो सेक का अवकलन क्या होता है? सेक का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक प्रांत में जो है वो कब आएगा? टेन रूट एक्स, सेक एक्स होगा और टेन एक्स, तो टेन प्रांत में जो है वो, टेन रूट एक्स, ये तो केवल सेक का हुआ है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब सेक को छोड़ो, सेक के अंदर कौन है? प्रांत में, प्रांत में टेन, तो टेन का करो, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर, और जो इसके प्रांत में वो लिख दो तो रूट एक्स आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, केवल से बाहर वाले की वजह से होगा। अब अंडर वाले का करेंगे तो रूट एक्स का, रूट एक्स का अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया है कि अंडर रूट का अवकलन होता है एक बट्टा दो अंडर रूट जो है वो, कब वो लिख दो, लिख दिया। फिर अंडर रूट के अंदर वाले का करो तो अंदर वाले का हमें क्या है, एक्स एक्स का कितना होता है एक, तो एक लिख दिया। ये अब फॉर्मूला बताते हैं आपको, चूंकि देखो पहले तो डी अपॉन डी एक्स, सेक एक्स है उसका अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोमा दूसरा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, देखो सेक स्क्वायर एक्स होता है, अंत प्रांत का नहीं होता। फिर अगला डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है एक बट्टा दो अंडर रूट एक्स, ये लो। तो इसलिए आपका डी वाई बट्टा डी एक्स, इसको लिख दो तो आपका आ गया सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टा दो रूट एक्स, ये क्या हो गया आपका आंसर। धन्यवाद।